फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग फिर से लगाएंगे 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। तो सेट को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, वहां से आप हमारे ब्लॉग चैनल निशा राज ब्लॉग से जुड़ सकते हैं और उन्हें उस चैनल को भी आप प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन दिया गया है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, ये सभी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस द्वीप का वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का वर्तमान में अभी जो नाम है अब्दुल कलाम द्वीप है। पाट अंचल अवस्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पे दिया गया है साइट परियोजना का नाम और ये अवस्थित जिस नदी पर अवस्थित है। तो मेट्रोल परियोजना दिया गया है चिनाब नदी पर स्थित है, तो गलत है क्योंकि मेट्रोल परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। बाकी के ऑप्शन सही है, सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर, उरी परियोजना झेलम नदी पर और श्री सैलम परियोजना ये कृष्णा नदी पर स्थित है। किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। किसी यहाँ पे पूछा गया कि किस छोटे दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से कारण सही है, तो सभी सही है कि बैलजली की सहायक संधि, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, सैनिकों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ये सभी इनके कारण है। भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पीएन भागवती को। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44 में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन से। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4 यानी कि प्लेग, डिप्थीरिया और टाइफाइड, ये जो है जीवाणु जनित रोग है यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग है। और जो ऑप्शन है खसरा, ये विषाणु से होने वाला रोग है। निम्न में से किसके द्वारा खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया गया कि यह एक क्षारीय ऑक्साइड है, तो ये कथन सही नहीं है, गलत है। बाकी का ऑप्शन सही है कि यह शुष्क बर्फ बनाती है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है और ये प्रमुख प्रकाश मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसका उपयोग किया जाता है या होता है। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने कि 1995 में मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। प्रतिछाया बैंकिंग यानी कि शैडो बैंकिंग क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। मतलब प्रतिछाया बैंकिंग का मतलब हुआ कि बैंक जैसी गतिविधि करना। इसके अंतर्गत मैंने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय एवं अन्य गतिविधियां शामिल है और यह बैंकिंग प्रणाली जो है मध्यस्थों का एक समूह है जो कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में साख यानी कि क्रेडिट निर्माण का कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, ग्लाइसिन। बाकी के जो ऑप्शन है माल्टोज, ग्लाइकोजन, फ्रुक्टोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 1/3 सदस्य। राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में। वास्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्न संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? आंसर है ऑप्शन डी, रंध्र यानी कि इसे स्टोमेटा भी कहते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो है 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई और उस समय जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रभाव में थी। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मूल दर्शन। प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान की भूमिका के तरह है जिसके अंतर्गत संविधान के आदर्श, उद्देश्य, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान इत्यादि का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इस तरह से प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम की कमी के कारण। भारत के किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट लागू किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो 1919 में पारित हुआ था। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है?
आंसर है ऑप्शन बी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रियासत में सदस्यता शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी विजय कुमार चौधरी। फरवरी 1928 में निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह आरंभ किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह आंदोलन जो है किसानों के द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन जो है चलाया गया था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसके लिए इस समय वहां की जो महिलाएं थी महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर ने भारत पर जब आक्रमण किया इस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश का। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय दिल्ली का शासक तुगलक वंशी मोहम्मद शाह तुगलक था। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य को व्यादेश दिया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आंसर है ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। भारत के राष्ट्रपति के पास निम्न में से कौन सी वीटो शक्ति होती है? आंसर है ऑप्शन डी सभी आत्यंतिक वीटो निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये सभी जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है। पूछा गया था कौन सा कथन सही है तो ये सही है। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता इसीलिए उसे राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है। उसे निर्णायक मत यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है तो यहाँ पे गलत है क्योंकि उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि यह राज्यसभा का निर्वाचित सभापति होता है तो गलत है क्योंकि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया या कैसी अभिक्रिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जेरिस्केपिंग किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से। जेरिस्केपिंग ये जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण यानी कि लैंडस्केपिंग या फिर बागवानी यानी कि गार्डनिंग की प्रक्रिया है जिसमें कुछ ऐसे पौधे को चुना जाता है जिन्हें की सिंचाई की सीमित आवश्यकता होती है और यह ज्यादातर शुष्क क्षेत्रों में लोकप्रिय है। निम्न में से कौन से ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? आंसर है ऑप्शन सी सिलिका और एल्युमिनियम। भारत में द्वीप समूहों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन बी दिया गया कि केवल दो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन सही है तो केवल दो सही है। क्या है दो में?
लक्षद्वीप का समग्र द्वीप समूह परवाल निक्षेपों से निर्मित है, यह ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, तो गलत है, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तोडा। तोडा या फिर टोडा भी आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं ऑप्शन में। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? आंसर है ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन द्वारा। 24वां संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, सह आयोग की। कुछ लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की श्रेणी में रखा गया है, इस श्रेणी में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे दिया गया है कि इस श्रेणी के लोगों को मताधिकार या संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा, तो ये कथन यहाँ पे गलत है कि इस श्रेणी के लोगों को मताधिकार या संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार नहीं दिया गया है। और बाकी के ऑप्शन सही हैं कि कृषि संपत्ति या बागान खरीदने में छूट का प्रावधान यह नहीं है, इस श्रेणी के लोगों को जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा होगी, और इस श्रेणी के लोगों को अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता का अधिकार नहीं होगा। बौद्ध धर्म में वेशाक संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध जयंती से। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, और इस दिन जो है भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था, इसे वैशाख यानी कि ये वैशाख, इसे जो है वैशाख भी कहा जाता है। निम्न में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहब। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन के कारण। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? आंसर है ऑप्शन बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। निम्न में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन, ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जो है औपचारिक रूप से रखी गई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध ये अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि मराठों की हार हुई थी। कार्बनिक खेती के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन बी कि इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, स्टेथोस्कोप का।
हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पेसमेकर का उपयोग जो है ये जब हृदय की गति कम हो जाती है तो उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्न में से क्या तात्पर्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक पद। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब जो है ये एक पद था। तो आई होप कि ये 50 क्वेश्चंस का सेट में स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।